हेलो गाइज, नमस्कार, वेलकम बैक टू मेरे चैनल सी टेक फर्नीचर। सो गाइज, आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है बहुत ही यूनिक टॉपिक और सभी कारपेंटर भाई के लिए ज़रूरी है वैसा काम करना, क्योंकि आज का युग मशीनों का युग है और जो भी आदमी अपना काम आज के युग मशीनों से करता है वो जाहिर सी बात है सबसे आगे होता है, और जो व्यक्ति अपना काम समय रहते हुए समय से कर ले वही सबसे परफेक्ट कारपेंटर है और सबसे परफेक्ट व्यक्ति है। तो इसी से मिलते जुलते हम आपको एक वीडियो लेके आए हैं जो कि हर कारपेंटर भाई के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है और उसे करना चाहिए क्योंकि आज के युग मशीनों का युग है। तो चलिए आइए मिलते हैं, अपने साइड पे बने रहिए हमारे वीडियो पे, और कुछ वीडियो मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन दे रखी है, आप चाहे तो वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो आइए चलिए मिलते हैं। आज हम आपको बताएंगे, जैसे कि दो पीस है, अभी इसको ज्वाइंट मारने का सबसे आसान तरीका, जैसे कि हम सदियों से करते आ रहे हैं रंधे का इस्तेमाल, इसको रंधा मारते हैं, रंधा मार करके कभी क्या होता है रंधा कभी इस साइड में टेपर हो जाता है, कभी इधर टेपर हो जाता है, कभी बीच में यहाँ पे गड्ढे हो जाती है, फिर हमारा रंधा सही ढंग से होता नहीं है और ना ही ज्वाइंट भी अच्छे ढंग से। तो जब भी हम ऐसे रखते हैं तो हमारी साइड साइड में या तो गैप रहती है या तो थोड़ी सी ऐसे बंद हो जाएगी या थोड़ी ऐसे बंद हो जाएगी। तो आज हम बताएंगे सबसे आसान तरीका और जल्दी ऐसा जॉइंट कि जैसे आपको बाल भी नहीं घुस पाए उसके अंदर, बिल्कुल इजी तरीके से। तो सबसे पहले क्या करना है, एक हिस्से को इसको कीले की मदद से आपको थोड़ा जाम कर देना है ताकि आगे पीछे हिले नहीं। जैसे मैंने अभी इसको कीले की मदद से जाम कर दिया, ये जाम हो गया। दूसरे साइड भी कीला मार लिया, इसको मैंने जाम कर लिया। उसके बाद में इसको हम टच कर देंगे बिल्कुल। अभी देखिए इतना सारा गैप है, अभी जब हम रंधा मारने जाएंगे काफ़ी समय लग जाएगा और हमारा काम भी परफेक्ट नहीं होगा, और बिल्कुल जो हम तरीका बताने जा रहे हैं वो बिल्कुल यूनिक है, आप भी इस तरीके को अपनाइए। इधर भी एक कीला मारेंगे, इधर भी एक कीला मारेंगे। उसके बाद क्या कीजिए, ऐसा सीधी स्केल लीजिए और जैसा कि मैंने अपने कटर मशीन का एक ब्लेड का मार्किंग कर लिया अपने गेज का, कितना आपको गेज चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो गैप है बिल्कुल जॉइंट पर रखेंगे, जैसे हमारा कटने वाला हो, जैसे हमारा ये कटिंग हमारा इस प्लाई के अंदर है, MDF के अंदर। तो हम यहाँ एक मार्किंग करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मार्किंग कर दिया, दूसरे सिरे में भी एक मार्क करेंगे। और एक हम स्केल लगाएंगे यहाँ पे, अगर दो आदमी हो तो कोई ज़रूरत नहीं है कीले मारने की, अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो वहाँ पे आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये कीले आप यहाँ मार दीजिए, ये कीले यहाँ मार दीजिए, अभी हमारी बिल्कुल फिक्स हो गई है। और ये तो हमारा छोटा पीस है, तो हम क्या करेंगे, इसको कटर मशीन ना फंसे इसके लिए इसको कीले को काट देंगे, काट के थोड़ा पंच कर देंगे, हमारी जब मशीन चलेगी तो इसके ऊपर फंसेगा नहीं। अब ये हमें क्या करना है, एक कटर मशीन का लेना है जैसा आपको, और ये जितनी मोटी है आपका प्लाई, मेरा तो MDF है, उसके हिसाब से ब्लेड थोड़ा सा बाहर निकाल दीजिए। बाहर निकालने के बाद से आप इस मशीन को इस पर चलाइए, जैसा कि मैंने चला दिया। अभी इसको वापस निकाल लेते हैं, इस कीले को वापस फिर निकालेंगे, अगर ज़्यादा गड्ढा है ज्वाइंट एक बार में नहीं मिलती है तब इसको दो बार में भी मिला सकते हैं, दो बार कटिंग करके। अभी देखिए थोड़ी सी हमारी गैप रह गई है, तो इसको हम दोबारा कटिंग करेंगे एक बार और, एक बार हम
और की लगा देंगे, इसके ऊपर हम डबल मशीन चलाएंगे। फिर इसको वापस निकालेंगे और इस कीले को फिर वापस पंच कर देंगे। उसके बाद फिर इसको टच के देखेंगे। अब देखिए कितना परफेक्ट जॉइंट मिल गया और बिल्कुल सीधे। आपको थोड़ा समय में ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। और जब हम रंधे का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है, बीच बीच में गैप रह जाता है और परफेक्ट गैप नहीं मिलता। ये कट कोने में भी नहीं कटता है और इससे हमारा बिल्कुल कट कोना हो जाता है। बस ध्यान रहे कि जिस पे आप रख रहे हैं वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए जगह, ये प्लाई सीधी होनी चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, इतना जरूर ध्यान देना आपको। देखिए अब इस तरीके को अपना करके आप भी ऐसा परफेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा नया आइडिया है। तो अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।